दोस्तों क्वेश्चन आप सुनो, देखिए 4500 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब दोस्तों 4500, देखो 4500, अब किस संख्या से भाग दें इसमें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। आपके आप सामने ऑप्शन है 2, 3, 5, 9। अब चाहे तो आप एक सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं किसी भी संख्या से भाग देकर निकाल सकते हैं, या इसका वर्गमूल करके इसका गुणनखंड करके भी आप निकाल सकते हैं। तो किस तरह से निकाल सकते हैं दोस्तों, देखिए किस कहा कि किस संख्या से भाग दे। अगर आप दो से ऑप्शन से अगर चेक करते हैं, अगर दो से भाग देते हैं तो कितना बनता है, देखो 2 × 2 = 4, फिर 5 × 2 = 4 और 10 × 2 = 10 = 0, 2250। क्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, ऑप्शन से इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो देखिए 2250, दो से लगाया, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 2, 5 = 10, फिर 2 कट जाएगा तो 3 कट जाएगा, 3 × 3 = 9 और 2 × 3 = 7 = 21, 3 × 5 = 15, 3 से लगाया, 3 × 3 = 6, 3 × 5 = 15, फिर 5 से लगाया, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 से लगाया, 5 × 5 = 25, 5 से लगाया 1। अब यहां पे इस 5 और 5 का जोड़ा बन गया, या 3 और 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन 5 और 2 का जोड़ा नहीं बना, यानी कि यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इस संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब 3 से लगा के चेक करते हैं, अगर ऑप्शन से तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो, 3 × 3 = 3, 3 × 5 = 15, ये 1500 के आप गुणनखंड करके देख सकते हैं, 1500 के आप गुणनखंड करके देख सकते हैं, तो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 1500 को भी आप गुणनखंड करके चेक कर सकते हो, देखो इस तरीके से 2 से लगाया, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, फिर इसमें 3 से लगाया, 3 × 3 = 6, 3 × 5 = 15, फिर 5 से लगाया, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 से लगाया, 5 × 5 = 25, 5 से लगाया 1। तो दोस्तों यहां पे इन दोनों का जोड़ा बन गया, इन 5 का जोड़ा, फिर 3 और 5 बच रहे, इसलिए फिर भी ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 5 से लगा के चेक करते हैं, 4500 में 5 से तो 5 × 45, ये 900 आ रहे हैं, 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों, 30 × 30 = 900, तो 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो दोस्तों इस तरह से ऑप्शन से भी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 5 एक ऐसी संख्या है जिससे भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, तो एक तरीका तो ये होता है, एक इसके गुणनखंड करके भी आप निकाल सकते हैं, कितना आपको चेक नहीं करना पड़े, डायरेक्ट आंसर आ जाए वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए ये 4500, 2 से लगाया, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 2, 5 = 10 है ना, फिर 2 से लगाया तो 2 × 2, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 2, 5 × 10, 3 से लगाया, 3 × 3 = 9 और 21 × 3 = 21, 3 × 5 = 15, 3 से लगाया, 3 × 3 = 6, 3 × 5 = 15, फिर 5 से लगा, देखो इन दोनों का तो जोड़ा बन गया, इनका भी जोड़ा बन गया, 5 × 5 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 1 और इन 5 का भी जोड़ा बन गया। ये जो 5 अकेला बच रहा दोस्तों, देखिए ये 5 अकेला बच रहा, अब इस 5 का अगर भाग दे तो ये कट जाता है और ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो ये ऑप्शन ज्यादा सही रहेगा ये इस कठिन ऑप्शन से, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन से उत्तर मिल जाते हैं, कभी कभी नहीं मिलते, तो कभी कभी इस तरीके से भी इसको आंसर निकालना पड़ता है। तो गुणनखंड वाला तरीका आपके लिए ठीक रहेगा।
ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।